नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी, एक पिता और पुत्र की कहानी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। एक पुत्र अपने वृद्ध पिता को रात्रि भोजन के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। खाने के दौरान वृद्ध पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग वृद्ध को घृणा की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उसका पुत्र शांत बैठा था। खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के अपने पिता को बाथरूम में ले गया, उनके कपड़े साफ किए, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया। खाना खा रहे सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और अपने पिता के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज़ दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। आम तौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे। आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो आपकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांट नहीं, प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। माँ बाप का सर्वदा सम्मान करें और उनकी पूजा करें। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने सगे संबंधियों को शेयर ज़रूर करें और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।